ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬੋਟਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਟਾ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। जालंधर सीट से लोकसभा चुनाव लड़कर सोशल मीडिया पर खूब मशहूर हुए नीटू शटरावाला फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इस बार नीटू शटरावाला ने एक ही परिवार के दबदबे वाले सियासी दलों को भी पिछाड़ दिया है। उन्होंने अपने पूरे परिवार को ही चुनाव मैदान में उतार दिया और मुकेरिया विधानसभा सीट से नीटू शटरावाला की बहन चन्नी, फगवाड़ा से खुद नीटू शटरावाला, दाखा से उनकी पत्नी और जलालाबाद से नीटू की माता उपचुनाव लड़ेगी। मीम तैयार कराऊंगा कि कोई पार्टी वाला रह नहीं जाऊंगा, कि सारे ही इन्हां लोकां नूं पता लग जाएगा भी ये पार्टी आपां किद्दां बनाई है और किद्दां कीता। सारा कुछ मैं तरीके नाल दसूंगा तुहानूं, पर हजे नहीं। मैं एक नुराला कर रहा, जे अपनी चार सीटां निकल गईआं तो मैं जनता की सेवा इदां करूंगा कि दोबारा उस जगह पर कोई भी MLA नहीं बनूंगा। जे बनूंगा तो जिन्हों आप खड़ा करेंगे उही बनेगा, उही अगे आएगा MLA जी। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो नीटू शटरावाला ने अपने परिजनों पर भी उन्हें वोट नहीं देने का आरोप जड़ा था, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए नीटू शटरावाला खूब रोए थे। जालंधर लोकसभा सीट से लड़े नीटू शटरावाला को बतौर आजाद उम्मीदवार महज 856 वोट मिले थे, जबकि नोटा पर 12,324 लोगों ने बटन दबाया था। ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲੇ 5 ਸਰ, 9 ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜਦ 5 ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਵੱਧ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਝੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਦੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆਓ ਸਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਕਦੀ। नीटू शटरावाला को मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम से दिक्कत है और उनका आरोप है कि जनता के वोट से सत्ता भोगने वाले नेता आम और गरीब आदमी को भूल जाते हैं। सर मैं 4 सीटें जीत के जनता में कुछ करना चाहना, जिदा आम पब्लिक रह के इन लीडर असी राजे बनाता है। इन्होंने जो देखो इन्हों का मुंडा खड़ा होंगे, इन्हों का पुत खड़ा होंगे, इन्हों की भैन खड़ी होंगी, इन्हों की माई खड़ी होंगी, साढ़े गरीबों की माँ कोई भैन कोई भरा कुछ भी नहीं होंगे। बहरहाल नीटू ने पूरे परिवार को मैदान में उतारने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस बार उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों को कितने वोट मिलते हैं इसका पता 24 अक्टूबर को चलेगा। जालंधर से राजीव अदबा, जी मीडिया।